13 महीने पहले मैंने कहा था हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, विश्व में कोई भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र के रूप में ख्यापित नहीं है, विभाजन के बाद का भारत भी अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाया तो कौन सा भारत हिंदू राष्ट्र होगा। दूसरी बात है कि हिंदू राष्ट्र जब हम कहते हैं तो मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट चौंकते नहीं हैं। क्यों नहीं चौंकते? हमारा कथन है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, मार्क्स के पूर्वज कौन थे, लेनिन के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अपने पूर्वजों की पहचान हो, उनके प्रशस्त मार्ग पर चलें, हर प्रकार से सुरक्षा रहेगी, हर प्रकार से उत्कर्ष होगा, कम से कम हिंदुओं के मार्ग में रोड़ा डालने का प्रयास न करें। मैं एक संकेत करता हूँ, 30 साल पहले मैं इस पद पर आया, मेरे पास अमेरिका से सूचना आई, हम लोग आज भले ही क्रिश्चियन गिने जाते हैं लेकिन हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट करके फिर क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया गया, उस वेदना को हम भूल नहीं सकते। अलीगढ़ से मेरे पास सूचना आई, पाकिस्तान से मेरे पास सूचना आई मौखिक, 30 वर्ष पहले, हम भले ही किसी रूप में हों, हमारी पहचान किसी रूप में हो, लेकिन हमारे पूर्वजों को मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके जो मारा गया उस वेदना को कभी हम भूल नहीं सकते। जब सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होते हैं तो अपने पूर्वजों के प्रशस्त मार्ग पर चलना आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, प्रतिष्ठित होने जा रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा। हिंदी में उसका अर्थ होता है कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बाइबल में जो सृष्टि संबंधी मान्यता है उन पर पानी फेर दिया है, इतने अंशों में मैं बाइबल का पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पूरे वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, भगवद गीता में केवल 700 श्लोक, थोड़ी देर के लिए गीता की बात छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं, उनके माध्यम से जो सृष्टि का रहस्य बताया गया है कोई विज्ञान और वैज्ञानिक में क्षमता नहीं कि उस पर पानी फेर दे। हमारा सिद्धांत इतना अकाट्य है जिसके आधार पर जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का पालन होता है, जगत का संहार होता है, निग्रह अनुग्रह का हमारा सिद्धांत दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टों से परिपुष्ट है, कोई चुनौती नहीं दे सकता, बल्कि मार्गदर्शन तो आधुनिक विज्ञान भी ले सकता है और वैज्ञानिक भी लेते हैं। स्वामी जी, आपने अगर बात की जाए तो आपने ये भी बोला था कि अगर बाइबल से गीता के अंश मिट जाए तो बाइबल, बिल्कुल सच्ची बात है, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में मान्य शंकराचार्य भारती कृष्ण जी, उन्होंने स्पष्ट लिखा है जितना अंश गीता का बाइबल में है उतने अंश को हटा दें तो बाइबल में कुछ ग्रहण करने योग्य सामग्री नहीं रहती। भारती कृष्ण जी महाराज की बात छोड़ दीजिए, बुश महोदय ने कहा कि आधुनिक विज्ञान ने सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया, उतने उसमें मैं बाइबल को नहीं मानता, मेरा वाक्य नहीं है तो बुश महोदय का वाक्य है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार राष्ट्रपति होने वाले थे, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे।